हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एंड्रॉयड इंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हमने सिंपल सा एक एप्लीकेशन बनाया था जिसमें एडिशन, दो नंबरों का एडिशन कराया था और दो नंबरों का सब्सट्रैक्शन कराया था। तो वो एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार का था कि मैं जस्ट फर्स्ट नंबर इंटर किया, फिर ये सेकेंड नंबर इंटर किया, प्लस में क्लिक किया, तो यहाँ पे जो उसका एडिशन है वो यहाँ पे शो किया। अगर मैं अब सपोज अगर मैं ज्यूम करूँ कि मेरी ये जो मेन एक्टिविटी है, इसमें नंबर वन डाला मैंने, नंबर टू डाला, फिर प्लस में जब मैं क्लिक किया तो एक दूसरी एक्टिविटी खुले और वहाँ पे मेरा जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करा दे, यहाँ पे अपना रिजल्ट आ जाए ये। इन सब चीज़ कराने के लिए एंड्रॉयड में एक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं इंटेंट्स। इंटेंट्स से हम तीन टास्क करा सकते हैं। पहला चीज़, हम कोई भी एक्टिविटी या सर्विस ओपन कर सकते हैं करंट एक्टिविटी से। हम डाटा पास कर सकते हैं, मीन्स एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे, जो हम अभी हम देखेंगे। मीन्स ये हमारी जो एक्टिविटी है फिलहाल, जो हमारा रिजल्ट है वो यहीं पे शो कर रहा है 9, बट मैं ये चाहता हूँ ये जो 9 है ये नेक्स्ट एक्टिविटी में शो हो, तो ये बाय यूजिंग इंटेंट हम करेंगे। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर एप्लीकेशन, मीन्स सिंपल, जैसे हम सेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो हम मैसेज, सेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो वो मैसेज हम व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या फिर जितने ईमेल कर सकते हैं, लाइक दिस। ये थ्री चीज़ हम देखेंगे इंटेंट्स की। फिर हम इंटेंट दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सप्लिसिट एंड्रॉयड इंटेंट और एक होता है इम्प्लिसिट। इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा एप्लीकेशन था ये, यहाँ पे हम एक और एक्टिविटी ले लेंगे ताकि हमें दूसरी एक्टिविटी खोलना है। जब हम प्लस पे क्लिक करें तो दूसरी एक्टिविटी खुले, प्लस पे जब हम क्लिक करें तो इस प्लस पे अगर मैं क्लिक करूं तो दूसरी एक्टिविटी, रिजल्ट एक्टिविटी खुले हमारी। और रिजल्ट एक्टिविटी में जो इसका और इसका जो है वो रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। सेम अगर मैं माइनस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है, उनका रिजल्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ये चीज़, तो यहाँ पे हम कोड देखेंगे इसका। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी बनाते हैं। तो एक्टिविटी बनाने के लिए सिंपल हम पैकेज के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद न्यू, और न्यू के बाद हम यहाँ पे एक्टिविटी, एक्टिविटी में जाएंगे। एक्टिविटी के बाद हम ब्लैंक एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी का नेम पूछेगा कि हम नेम क्या रखना चाहते हैं। मैं इसका नेम रिजल्ट एक्टिविटी रख देता हूँ। तो ये है मेरा RESULT, रिजल्ट एक्टिविटी। तो ये मेरा रिजल्ट एक्टिविटी हो गया। ओके, ये मेरी रिजल्ट एक्टिविटी यहाँ पे ऐड हो गया। जब भी हम कोई नई एक्टिविटी ऐड करते हैं तो उसकी क्लास फाइल, मीन्स एक्टिविटी क्लास फाइल प्लस उसकी लेआउट फाइल दोनों बनती है। तो ये इसका लेआउट फाइल है। ऐप थीम, अगर आप में भी ऐसा एरर शो करे तो आप यहाँ पे मटेरियल लाइट, मटेरियल लाइट सेलेक्ट कर लें। तो एप्लीकेशन, आपकी जो थीम है, आपकी जो इंटरफेस है वो दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ड बाय डिफॉल्ट आता है जब भी कोई नई एक्टिविटी हम क्रिएट कर दें, तो उसको मैं डिलीट कर दिया।
हमारे एप्लीकेशन का नाम माई डेमो कैल्सी है, इसीलिए इस एक्टिविटी में भी वही नेम आ रहा है। हम ये नेम चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज में गए, स्ट्रिंग्स में गए। यहाँ पे टाइटल जो है, ऐप नेम जो है माई डेमो कैल्सी, यहाँ से हम एप्लीकेशन का नेम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्टिविटी के ऊपर जो नेम शो होते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। और जब भी हम कोई नई एक्टिविटी ऐड करते हैं तो वो एक्टिविटी ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट फाइल में भी ऐड हो जाती है, जैसे यहाँ पे वो एक्टिविटी ऐड हो गई है। ठीक है, तो हमारा जो टास्क है जैसा है, तो इंटेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम हमारी जो ये दो एक्टिविटी बन गई है, तो हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे जहाँ पे डू एड फंक्शन है। डू एड फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा है, ये दो नंबरों का ऐड करा रहा है, और ये फंक्शन कॉल यहाँ से हो रहा है। ये जो बटन है, बटन पे मैंने क्लिक किया, इस बटन पे मैंने क्लिक किया, तो इसके ऑन क्लिक मेथड जब कॉल इसका जब ऑन क्लिक इवेंट कॉल होगा तो ये डू एड नाम का फंक्शन एक्सिक्यूट होगा इस एक्टिविटी का। और यहाँ पे दो वैल्यू हमने लिया, एडिट टेक्स्ट, पहले हम एडिट टेक्स्ट का रेफरेंस सेट किए, इसके बाद एडिट टेक्स्ट की वैल्यू हमने ए और बी में डाला, और यहाँ पे इन दोनों का सम किया। अब मुझे ये अपने थर्ड एक्टिविटी में शो कराना है, तो इसके लिए हमें टेक्स्ट व्यू 3 की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कमेंट कर दिया। और यहीं पे नीचे मैंने एक इंटेंट बनाया, इंटेंट, फिर इसके बाद इंटेंट का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, फिर इसके बाद न्यू, फिर इंटेंट। अब यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास करते हैं। जो पहला पैरामीटर होता है वो करंट एक्टिविटी, मीन्स जहाँ से हम पास कर रहे हैं, तो करंट एक्टिविटी हमारी जैसे मेन एक्टिविटी है, तो हम इसका रेफरेंस देंगे दिस। और सेकंड जो पैरामीटर होता है वो किस एक्टिविटी में हमें जाना है वो हम यहाँ पे पास करेंगे, तो हमें जाना है रिजल्ट एक्टिविटी, तो रिजल्ट एक्टिविटी डॉट क्लास, तो यहाँ पे हम क्लास मेंशन करेंगे उसका। तो यहाँ पे इंटेंट पे मैंने क्लिक किया, और ये देखिए इंटेंट में अगर हम इंटेंट देखें तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पैकेज कॉन्टेक्स्ट और सेकंड चीज क्लास लेता है। तो जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है वो जिस एक्टिविटी से हम सेकंड एक्टिविटी में जा रहे हैं उस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट चाहिए, मीन्स हमारी जो होम एक्टिविटी है उसका कॉन्टेक्स्ट। तो हमारी होम एक्टिविटी यहाँ पे मेन एक्टिविटी है, इसलिए हम उसका कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। सेकंड क्लास, किस क्लास में जाना है, लाइक दिस रिजल्ट एक्टिविटी क्लास में जाना है, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट एक्टिविटी क्लास दिया है। फिर इसके बाद हम सिंपली अभी जाना सीखते हैं, इसके बाद वैल्यू पास करना सीखेंगे। तो सेकेंड एक्टिविटी में जाने के लिए स्टार्ट एक्टिविटी हम लिखते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे इंटेंट का नेम जो हमने ऊपर क्रिएट किया, बस। सेम कोड कॉपी पेस्ट, इस फंक्शन में भी सेम ही होगा, तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये दो टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट व्यू की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कमेंट कर दिया। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। सो यहाँ मेरा एप्लीकेशन रन हो गया, मैंने कुछ भी नंबर अभी इंटर किया, प्लस में क्लिक किया, तो यहाँ पे रिजल्ट एक्टिविटी हमारी खुल गई है। सेम अगर मैं माइनस पे क्लिक करूँ तो इसमें भी रिजल्ट एक्टिविटी खुल रही है। तो अब हमारा जो क्लिक इवेंट पे
नेक्स्ट एक्टिविटी खुल रही है। अब नेक्स्ट टास्क है हमारा कि इस एक्टिविटी में जो हमारी करेंट एक्टिविटी है ये वाली, सॉरी यस, जो मेरी एक करेंट एक्टिविटी है, अब इससे डाटा जो है वो हमें इस एक्टिविटी में ले जाना है, वो इस एक्टिविटी में ले जाना है डाटा को। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सा जो इंटेंट बनाया है, इंटेंट में और भी कुछ होते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे int इंटेंट डॉट, हमें वैल्यू पुट करनी है ताकि हम नेक्स्ट एक्टिविटी में उस वैल्यू को गेट कर सकें। तो यहाँ पे इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, वैल्यू किस फॉर्म में है, इंट के फॉर्म में है, तो हम यहाँ से इंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास करते हैं जैसे हम देख रहे हैं, नलेबल स्ट्रिंग नेम, पहला जो होगा वो स्ट्रिंग नेम होगा, सेकंड जो होगा वो उसकी वैल्यू। तो हम की वैल्यू पेयर में वैल्यू पास करते हैं, तो यहाँ पे की होगा सबसे पहला, की हम दे सकते हैं रिजल्ट, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है वो है स्ट्रिंग ऑफ, ओके तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ए प्लस बी है। सॉरी मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, तो फिर भी यहाँ पे हम स्ट्रिंग वाला सेलेक्ट करेंगे, दोनों के लिए सबके लिए सेम ही है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया सेम थिंग, सेम चीज यहाँ पे भी हमें करना है। तो ये पहला हमने इंटेंट क्रिएट किया, इंटेंट का इंस्टेंस क्रिएट किया, फिर इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और यहाँ पे रिजल्ट, फिर यहाँ पे वैल्यू। तो वैल्यू हमारी है स्ट्रिंग ए प्लस बी। तो हमने वैल्यू सेट कर दिया। अब इधर के बाद हम जब इस पे क्लिक करेंगे डू एट बटन पे, तो हम क्लिक करने के बाद हम इस एक्टिविटी में जाएंगे। इस एक्टिविटी में हम जाने के बाद यहाँ पे वैल्यू गेट करनी है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू गेट करने के लिए हम बंडल का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, बंडल एक्स्ट्रास इक्वल टू गेट इंटेंट, गॉट डॉट गेट एक्स्ट्रास। फिर इसके बाद अगर एक्स्ट्रास की जो वैल्यू है वो नल नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, इसलिए हमें ये कंडीशन देनी पड़ती है, नल नहीं है तो हम वैल्यू किसी की चीज के अंदर स्ट्रिंग के अंदर ले लेते हैं, स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स्ट्रास डॉट गेट स्ट्रिंग, और जो हमारी की बनाए थे वो की यहाँ पे की लिख देंगे। ओके तो स्ट्रिंग को मैं ग्लोबल बना लेता हूँ ताकि इस स्ट्रिंग को मैं बाहर भी यूज कर सकूँ। ये मैंने स्ट्रिंग बना ली है यहाँ पे, ये ग्लोबल नहीं है लोकल ही है, ताकि मैं इसको इसके बाहर कर दिया ताकि मैं इस मेथड में कहीं भी यूज कर सकूँ। अब यहाँ पे मैंने रिजल्ट में वैल्यू डाल दिया है, अब इस वैल्यू को इस एक्टिविटी में शो कराना है, तो इस एक्टिविटी में रिजल्ट एक्टिविटी में जाके मैं एक टेक्स्ट व्यू लेता हूँ सिंपल सा,
तो ये मेरा रिजल्ट एक्टिविटी है, ये इसका लेआउट है, ओके। तो यहाँ पे मैं एक लार्ज टेक्स्ट ड्रैग करूँगा, यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। जैसा हम अभी तक करते आए, इस पे डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट हमारा ब्लैंक होना चाहिए, इसको मैंने ब्लैंक कर दिया, और इसका आईडी मैंने कर दिया टेक्स्ट व्यू रिजल्ट। अब यही आईडी मैं यूज करूंगा। तो ये हमारा, अब हम रिजल्ट एक्टिविटी में गए। सबसे पहले जब भी हमने देखा, अब अभी हमें टेक्स्ट व्यू यूज करना है, तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट व्यू का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं, टेक्स्ट व्यू रिजल्ट इक्वल टू फाइंड व्यू आई आईडी, देन आर डॉट आईडी डॉट टीवी रिजल्ट। तो हमने यहाँ पे इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, और इसको रिजल्ट इज ऑलरेडी डिक्लेयर, तो हम इसका नेम टीवी रिजल्ट कर देता हूँ। ओके, अब सही है। इसके बाद हम इसको टाइपकास्ट कर दिए टेक्स्ट व्यू से। अब इसमें हमें रिजल्ट शो कराना है, तो रिजल्ट शो कराने के लिए टीवी डॉट, हम वहाँ पे सेट टेक्स्ट यूज करते थे, तो यहाँ पे सेट टेक्स्ट यूज करेंगे। सेट टेक्स्ट के अंदर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कराते थे, तो यहाँ पे सिंपली रिजल्ट हम पास करा देंगे। ओके, सो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, मैं इसको रन करता हूँ। सो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है, यहाँ पे मैंने 8 इंटर किया, अब फिर 8 इंटर किया, प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे 16:16 डिस्प्ले हो गया। इसके बाद मैंने माइनस पे क्लिक किया, यहाँ पे 0 डिस्प्ले हो गया। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी पहले हम नीचे शो कराते थे, उन अब उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस पे क्लिक करके जो वैल्यू है मैं नेक्स्ट एक्टिविटी में पास कर रहा हूँ, और उस एक्टिविटी में मैं वैल्यू को शो करा रहा हूँ। सो अभी हमने एंड्रॉयड इंटेंट के बारे में जाना, जिसकी दो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी जिसमें ओपन अनदर एक्टिविटी और सर्विस फ्रॉम द करेंट एक्टिविटी। सर्विस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हमने सिर्फ ओपन अनदर एक्टिविटी देखा है। सेकंड चीज़ है पास डाटा बिटवीन एक्टिविटीज एंड सर्विसेज, तो सेकंड चीज़ भी हमने देख लिया कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी हम कैसे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल रहेगा, उसमें हम थर्ड प्लस एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट एंड्रॉयड इंटेंट के बारे में जानेंगे। अब लास्ट में एक बार पूरा जो आज का ट्यूटोरियल था उसका ओवरव्यू मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें मेन ज़रूरत पड़ती है एंड्रॉयड में कई बार कि हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी वैल्यू पास कराना चाहते हैं, या फिर एक एक्टिविटी के किसी भी इवेंट, जैसे क्लिक इवेंट या टच इवेंट पे हम क्या कराना चाहते हैं कि नेक्स्ट एक्टिविटी खुले। इन सब चीज़ों के लिए हम इंटेंट यूज़ करते हैं। इंटेंट से हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जंप कर सकते हैं, हम वैल्यू पास करा सकते हैं, और हम कोई भी फंक्शन जैसे ईमेल या फिर
कहीं भी कुछ मैसेज सेंड करना हो, ये सब सारे टास्क हम करा सकते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम था, इंटेंट के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, इंटेंट लिखते हैं, और ये हमारा जो मेन एक्टिविटी है। सो मेन एक्टिविटी में मीन्स जो हमारी पेरेंट एक्टिविटी है, या फिर होम एक्टिविटी हम कह सकते हैं, जो हमारी होम एक्टिविटी है उसमें हमने इंटेंट का इंस्टेंस क्रिएट किया। इसमें दो पैरामीटर हम पास करते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट होता है, इस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट। तो मैं मेन एक्टिविटी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस हुआ। और सेकंड जो होता है वो क्लास होता है, कि किस क्लास में हमें जंप करना है, किस एक्टिविटी क्लास में हमें जंप करना है। तो हमने यहाँ पे वो एक्टिविटी क्लास दिया। इसके बाद हमें जब अगर उस एक्टिविटी जिसमें हम जंप कर रहे हैं उसमें अगर कोई वैल्यू पुट पास कराना हो, तो हम सिंपली इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा यूज करते हैं। और जो वैल्यू है वो हमेशा की एंड वैल्यू पेयर में हम पास करते हैं। यहाँ पे जो पहला पैरामीटर पास करेंगे वो की होगा, और सेकंड जो पैरामीटर हम पास करेंगे वो वैल्यू होगा। इसके बाद हम स्टार्ट एक्टिविटी यूज करते हैं, और यहाँ पे इंटेंट का नेम, तो वो वाला इंटेंट मीन्स वो वाली एक्टिविटी खुल जाएगी जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे।